मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की टीम पूरे जोर शोर से देश भर में अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने में जुटी हुई है। इस बीच फिल्म की स्टार कास्ट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची। दरअसल जूनियर NTR रामचरण और फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पंजाब पहुंचे हैं। यहां फिल्म के प्रमोशन से पहले उन्होंने अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। रामचरण जूनियर NTR और SS राजमौली इस दौरान सफेद और क्रीम कलर के कुर्ता पैजामा में नजर आए। तीनों के ही कुर्ते पर RRR का एक लोगो भी प्रिंट था। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद पूरी टीम ने मीडिया के कैमरों के लिए पोज भी दिए और हाथ जोड़कर फोटो भी क्लिक कराई। स्वर्ण मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद जूनियर NTR, रामचरण और SS राजमौली जब बाहर निकले तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया। इन तीनों हस्तियों को देखने के लिए स्वर्ण मंदिर में भारी हुजूम इकट्ठा हो गया था। RRR के मेकर्स इस फिल्म को पूरे भारत में प्रमोट कर रहे हैं। कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि साउथ इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म रिलीज होती थी तो उसका प्रमोशन भी दक्षिण भारत तक ही सीमित रहता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है। साउथ के स्टार्स को अब उत्तर भारत में भी काफी पसंद किया जा रहा है और यही वजह है कि RRR फिल्म के मेकर्स उत्तर भारत में भी फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। मनोरंजन जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।